ਇਕਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਨਾਲ ਸਰ ਹੁਣ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਲੈਕਚਰ ਰਜਨੀਸ਼ ਕੌਰ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਗਨੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਐਡ ਕਾਲਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਲੈਕਚਰਰ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇਕਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਰ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੀ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ, ਇੱਕ ਔਥਰ ਵੀ ਨੇ ਇਹ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਨੇ, ਲੈਕਚਰ ਵੀ ਨੇ, ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਔਥਰ ਵੀ ਨੇ। ਔਰ ਲਿਖਦੇ ਕਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਖੇਤਰ, ਇੱਕ ਦਾਇਰਾ, ਇੱਕ ਲਿਮਿਟਸ ਹੈਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪਸਾਰਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕਿਨਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਾਉਂਡੇਸ਼ਨਸ, ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ। ਔਰ ਔਥਰ ਦੇ ਲਈ, ਔਥਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਲੈਕਚਰਰ ਵੀ ਜੋਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਨਾ, ਬੀਐਡ जी ਕਾਲਜ ਦੇ जी सत ਵਿੱਚ। श्री अकाल जी। सब तो पहले मैं धन्यवाद करती हूँ एक पानी चैनल का, जिन्होंने मैंने आज एक मौका दिता। मेरी कोई इन्नी खास उपलब्धि नहीं है, उसके उपरांत भी मैंने ये मौका मिला कि मैं तुहाडे नाल इंटरेक्ट करा। हाँ जी, हुण तुसी स्टार्ट करो। जी बिल्कुल, तुहानू दस दिए रजनीश जी, उपलब्धि ना हर एक बंदा अपने आप दे विच एक उपलब्धि जरूर रखता है। और जेड़े बच्चे नू सिक्ख्या दिंदे ना, सानू लगदा ओदी उपलब्धि बहुत वड्डी हुंदी है। एक सिक्ख्या जेही चीज है, एक अध्यापक अजेही अजिहा हुंदा है कि एक हुंदा ना, कई बारी इंसान दे अंदर कदी कदी प्राउड आ जाता है कि वो कहिंदा कि मेरा गुण ना किसी तक ना जाए, लेकिन अध्यापक च कदी हंकार नहीं आंदा। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਦੇ ਦਵਾਂ। ਇੰਨਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਬਲੀਅਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਅੱਜ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੀ ਸੀ, ਕੀ ਬਦਲਾਵ ਨੇ, ਕੀ ਬਦਲਾਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਲਿਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਔਥਰ ਵੀ ਹੋ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਔਥਰ ਤੇ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖ ਸਕਦਾ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ? मेरा जो स्पेशलाइजेशन का फील्ड है वो मेरा एबनॉर्मल बच्चों पे ज्यादा रहा है, क्योंकि ऐसे नॉर्मली तो हर टीचर बच्चे पढ़ाता है, हर टीचर एसोस रहता है बच्चे ना, जनरली कुछ ज्यादा तौर पर रहते हैं, कुछ घट तौर पर रहते हैं। बट जो मंदबुद्धि बच्चे होते हैं, जो एबनॉर्मल जिन्होंने असं बोलते हैं, उन्हें बच्चों को पढ़ाना, उन्होंने एसोसिएटेड लंबे तक टाइम तक रहना, ये हर इंडिविजुअल जो है वो नहीं कर सकता है। तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी यो सी कि मैं उन्हें बच्चे नूं, क्योंकि जनरली क्या होता है, असि जनरल जिन्हें भी बच्चे ने असि उन्होंने कॉमन लैके चलते, हाँ जी चलो, लेकिन जो हैंडीकैप्ड बच्चे ने, जो ब्लाइंड बच्चे ने, जो सुन नहीं सकते, जो बोल नहीं सकते, उन्होंने एजुकेशन का क्या। हालांकि गवर्नमेंट ने रिफॉर्म लियाया सी कि भाई उन्हां बच्चों नूं भी उसी लेवल दी एजुकेशन दी जाए जिस तरह जनरल बच्चे नूं, लेकिन फिर भी पहली प्रॉब्लम साढ़े कोल सी कि साढ़े कोल टीचर्स नहीं सन, टीचर्स की अवेलेबिलिटी घट सी। हुण उह थोड़ा थोड़ा असीं इंप्रूव कर रहे हाँ, उन्हां बच्चों नाल एसोसिएटिड होने लई सब तो पहले सानू खुद तैयार होना सी। जनरल जी बच्चे संभालना वैसे भी एक बहुत मुश्किल टास्क है, आजकल के दौर विच बच्चे संभालना बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन बिल्कुल ऐसा बच्चा जो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर सकता, जो बोल नहीं सकता, जो देख नहीं सकता, उन्होंने संभालना, ते उन्होंने संभालने लिए एक टीचर नू ऐसी गाइडलाइंस देना, इस तरीके का फ्रेम आउट करना उन्होंने लिए कि वो उन्होंने बच्चों नू टैकल कर सकन, ते जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं उन्होंने तक मतलब कि उन्होंने बच्चों नू उन्होंने नाल मिला के चल सकन। ये मेरी प्रायोरिटी सी कि मैं कुछ ऐसा, कुछ ऐसी टेक्निक्स, जो हालांकि टेक्निक्स से जिन्हें भी साढ़े बहुत बड़े बड़े एडुकेशनिस्ट उन्होंने दीतिया ने, हाँ उन्होंने ग्राउंड लैवल से इंप्लीमेंट करने से मैं कोशिश की है। हो सकता है
कि मेरी छोटी जी कोशिश ना लोग इन्वॉल्व हों, मेरी बुक्स के जरिए हों या मेरी एजुकेशन लाइन के थ्रू हों, ताकि लोग मिलन ते उन्हां बच्चों लिए कोई काम करन। मेरे इहो इसी चीज नूं मैं ध्यान विच रखते हुए मेरे जो राइटिंग स्किल्स मैं इन्हां ते ही लगा दी। मेरी जो जिस तरह पहले मेरी बुक सी उससे टीचिंग लर्निंग ते एवेल्युएशन, तुसी जानते हो कि टीचिंग हर एक बंदा टीचर नहीं हो सकता, टीचिंग प्रोफेशन इज नॉट अ कप ऑफ टी, असीं इह नहीं कह सकते कि हर बंदा टीचर है, लेकिन वो जो एक एबनॉर्मल बच्चे नूं पढ़ाए उहदे वास्ते ते एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन चाहिए, लर्निंग दी भी टेक्निक्स अलग हन, हर बच्चा लर्न नहीं कर सकता। तुसी खुद देखोगे दो बच्चे अगर एक घर विच भी होंगे तो एक बच्चा अगर पढ़ने विच तेज है तो दूसरा नहीं हो सकता। जनरली पेरेंट्स की करते ने उन्होंने बार बार कहते ने कि भाई तू नहीं करता, तेरा वड्डा भरा कर रहा है या बहन कर रही है, इस तरह के कमेंट्स देते रहते हैं। इन की होंगे बच्चे इंप्योरिटी कंपलैक्स पैदा हो जाता है, तो वो लर्निंग टेक्निक्स है वो जो पहले पेरेंट्स को पता होनी चाहिए कि किस तरीके नाल बच्चे नु असी लर्न करवाइए। ते थर्ड जो टेक्निक आती है वो एवेल्युएशन दी है, चेक करना। जो असी क्वेश्चन पेपर देंदे हाँ बच्चे नू या कोई भी पैटर्न है, ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव है, जो असी वो बच्चे नू देंगे ते उदा जो फ्रेम आउट करके असी रिजल्ट निकालते हैं उदी भी एक टेक्निक है। ते इना तिना नू मिला के मैं अपनी फर्स्ट बुक लिखी सी कि किस तरीके नाल असी टीचिंग करिए, लर्निंग किस तरीके नाल होएगी, ते एवेल्युएशन किस तरीके नाल कीती जाए। पहला मेरा जो टारगेट सी वो ये सी कि मैं मासिस तक के पहुंचा, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं मैं उन्होंने राही ही अगे तक जा कि बच्चों की टीचिंग लर्निंग ते एवेल्युएशन की जो स्ट्रेटेजीज हैं वो चेंज हो पाए। जी बिल्कुल, जिदा तुसी कहा कि जेडे मेंटली अबनॉर्मल बच्चे ने या जिन्होंने दूसरे बच्चों नाल थोड़े ऊने बच्चे कह सकते हैं, है ना, दूसरे बच्चे की तरह वो नहीं है, उन्होंने बिल्कुल तुसी सही गल कही है कि उन्होंने एजुकेट करना, उन्होंने तक पढ़ाई, उन्होंने सिखाना बहुत काफी ज्यादा दूसरे बच्चों के लिए बहुत वड्डा एक हुंदा है कि चैलेंज हुंदा है किस तरह किया जाए। उहदे लई अध्यापक दे विच ये बिल्कुल गल देखी जा सकती है कि जिहड़ा आप देखते हैं कि नॉर्मल बच्चों पढ़ाने वाला अध्यापक है कि वह दूसरे बच्चों पढ़ाने के लिए कोई स्पैशल अध्यापकों की जरूरत होंगी है, स्पैशल टीचर्स की जरूरत होंगी है। हाँ जी मैम, इहदे वास्ते जिस तरह एक नॉर्मल बच्चे नूं पढ़ाने वास्ते स्किल डिवेलप करने वास्ते बीएड का कोर्स है, बैचलर्स इन एजुकेशन का, इसी तरीके नाल बैचलर्स इन स्पैशल एजुकेशन, मतलब कि बीएड की एक स्पैशल डिग्री है जो सिर्फ स्पैशल एजुकेशन के जो स्पैशल स्टूडेंट्स हैं उन्होंने पढ़ाने वास्ते की जाती है। हालांकि जम्मू में सिर्फ या तो मायर कॉलेज में हैं ते या फिर तुसी इग्नू दे सेंटर विच जाके कोर्स नू अडॉप्ट कर सकते हो या इस लई तुसी अप्लाई कर सकते हो। इस तो इलावा जम्मू विच कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है। जी रजनीश जी, हुण तक किन्नियां बुक्स लिख चुके हो तुसी? बुक्स तो हुण तक जी 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 मैं हुण तक मेरी 5 बुक्स सन जिदे विच इंक्लूसिव एजुकेशन मेरी प्रिंटिंग विच है क्योंकि लॉकडाउन दी वजह नाल मार्केट विच नहीं आ सकी। इस तो इलावा मैं इनफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ते बुक्स लिखिया ने ते बेसिस ऑफ एजुकेशन ते मेरी बुक्स हैं कि बेस किसी साडा एजुकेशन सिस्टम दा ते हुण असी कित्थे पुजे हाँ। इस दे नाल ही इनफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो नीड ऑर्स है कि इनफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी किस तरीके नाल एजुकेशन सैक्टर जो है यूज कर सकता है। तुसी उन्हें देख रहे ऑन ऑफ सडन लॉकडाउन लग गया लास्ट ईयर ते मैक्सिमम साढ़े 2 या 3 महीने असी बच्चे नूं एजुकेशन नहीं दे सके। रीजन ये सी कि मैक्सिमम साढ़े जिहड़े टीचर सन वो नहीं टेक्निक्स यूज कर सकते सी, उन्हां नूं जूम क्लासेस दा या वो टेक्नोलॉजी जिस तक वो अपनी एजुकेशन पहुंचा सकन बच्चों तक वो नहीं उहदी नॉलेज नहीं सी। एक ड्रॉबैक सी उन्हों असी कवर अप करते हाँ इनफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी दे थ्रू। ते मेरी बुक जो है इसी इनफॉर्मेशन कम्युनिकेशन ते टेक्नोलॉजी ते है जिस ते असी ये सीखते हैं कि किस तरीके नाल असी कंप्यूटर्स नू यूज करते हाँ या नेटवर्किंग नू यूज करते हैं ताकि मासिस तक एजुकेशन जा सके। ये सिर्फ स्पैशल एजुकेशन के बच्चों तक नहीं है, जिस तरह साडे फार फ्लंग एरिया विच भी कई बच्चे ने जो रेगुलर कॉलेज नहीं आ सकते या स्कूल नहीं आ सकते, उन्होंने असं किस तरीके नाल एजुकेशन देंगे ये साड़ी जो है इनफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी दसती है।
मेरी आवाज तो आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है। जी, एक ना इत्थे जिहड़ा सवाल है, हमेशा ही जदों दा कोविड आया, एक जिहड़ा इह गल सारिआं दे लई ही ज़हन दे विच है, क्योंकि बच्चे आ जिहड़े इस टाइम कोविड दे विच बड़ा मुश्किल दे नाल आपां बच्चे नूं घर दे विच पेरेंट्स दे राहीं पढ़ाया जा रिहा, जिहड़ी इह एजुकेशन दित्ती जा रही है सोशल मीडिया दे राहीं ऑनलाइन एजुकेशन, उसनों तुसी किस तरह देखते हो कि एदे विच बच्चे दा इस दे राही बच्चे दी एजुकेशन दा विकास हो रहा है, बच्चे दे लई एह लाहेवंद है? जी मैं जरूर मानती हाँ कि कुछ ड्रॉबैक्स रहते हैं, जिस तरह बच्चे की आई साइट वीक होती है, बच्चा यूज टू हो जाता है सिस्टम दे या लैब दे या मोबाइल दे, बट तुसी अगर थोड़ा नजर लगाओ या मारो तो जनरली पेरेंट्स की करते हैं कि अपने बच्चे नू फोन दे देंगे दे खेलन लिए, ते आई थिंक कि मैनू नहीं लगता इहदे च कोई ज्यादा ड्रॉबैक है। हाँ, जो फ्री टाइम है उन्हां दा, क्योंकि आउटडोर एक्टिविटीज असं कर नहीं सकते, ते इनडोर एक्टिविटीज भी इन्नी ज्यादा असं नहीं कर सकते इस कोविड के टाइम से, ते इस करके मैनू नहीं लगता कि कोई ड्रॉबैक है। इनफैक्ट बच्चा जो है टेक्निक सीख रहा है है कि किस तरीके नाल असीं लेटेस्ट टेक्निक नू यूटिलाइज करके एजुकेशन गेन कर बैठे हो, क्योंकि बहुत ज्यादा लॉस हो चुका है एक साल विच, जिस तरह गवर्नमेंट ने सिलेबस भी रिड्यूस किया सी, इस साल भी किया है, लास्ट ईयर भी किया सी, बट यूज करके असीं कुछ कंसेप्ट जो है बच्चों ने वो उनके माइंड तक पहुंचा ही नहीं रहे, हालांकि इनफैक्ट साड़ी कोशिश पूरी है, लेकिन अगर ये बिल्कुल बंद किए जाएंगे या तुसी को के नहीं होने चाहिए तो ये बच्चों का बहुत बड़ा लॉस है। इस करके मेरे ख्याल से इधर कोई ड्रॉबैक नहीं है, कोई भी ऐसी गलत चीज नहीं असी इंक्लूड कर रहे इस विच। जी जी जिस तरह की मैक्सिमम साइट्स होंदियां ने जो बच्चों के लिए अप्रोचेबल नहीं होनी चाहिए ने, उन्होंने असं बैन भी कर सकते हैं। मैं जरूर इंक्लूड करांगी, क्योंकि मैक्सिमम पेरेंट्स से बोलते हैं कि असी नहीं नोटिस कर सकते कि बच्चा क्लास लै रहा है या नहीं, इहदे लई बहुत सारे ऑप्शन हैं साढ़े कोल, तुसी उन्हां साइट्स नूं बैन कर सकते हो अपने फोन से ही। तो आई थिंक कि ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छी टेक्निक है इस टाइम पर कोविड के दौरान बच्चों को एजुकेशन नाल जोड़न ले। मेरी आवाज आ रही है? जी हो ना रही है तड़ी आवाज। जी, एक्चुअली नेटवर्क प्रॉब्लम है, इस करके मेरा फ्रेम है जेड़ा वो नहीं बन रहा, लेकिन तुहाड़ा बिल्कुल लाइव आ रहा है, तुसी जो मेरी मेरे क्वेश्चन नु सुन के तुसी जो भी आंसर कर रहे हो वो बिल्कुल बार ठीक आ रहा है। ठीक है जी जी जी, हुन मतलब आपां गल करांगे, एक पिछले दिन ही ना एक सोशल मीडिया ते काफी ज्यादा वीडियो एक वायरल हुई, जिदे ते एक बच्चे ने कहा है कि साडे ते ना काम दा बहुत ज्यादा बोझ है, स्टडी दा या ऑनलाइन स्टडी जड़ी हो रही है, बहुत ज्यादा वर्कलोड है। ओनू उस वीडियो ते वीडियो नू देख दे हुए ता जेडे साडे रिस्पेक्टेड एलजी साहब ने, गवर्नर ने, उन्होंने बड़ी बहुत जल्दी एक डिसीजन ले लिया। देखो हुण एजुकेशनिस्ट जेड़े सीगे या तो उन्होंने गलबात की जाती
ਟੀਚਰਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਨਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇੱਕਦਮ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਬਦਲ ਦੇਣਾ, ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜੋ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਟੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਹੋਇਆ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਸੀ ਉਹ? ਜੀ, ਮੈਂ ਲੈਫਟਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੇ ਡਿਸੀਜਨ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੀ, ਬਟ ਹਾਂ, ਐਜ਼ ਅ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਿਸਟ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲਾਂਗੀ ਕਿ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਡਿਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੋ ਸਕੂਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਡਿਸੀਜਨ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਕਚੁਅਲ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਫੋਨ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੇਰੈਂਟ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਊਟਡੋਰ ਗੇਮਸ ਲਈ ਇਸ ਵਕਤ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਰੀਜ਼ਨ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਮੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੇ ਚਲਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਰੇਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਐਕਚੁਅਲ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਸਨ, ਮੈਕਸੀਮਮ 50% ਸੈਲਰੀ ਹੀ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਸਰਵੇ ਹੈ, ਜੋ ਮੇਰਾ ਰਿਸਰਚ ਹੈ, 50% ਸੈਲਰੀ ਹੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰਸ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਹਨ ਸਕੂਲਸ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਟੀਚਰਸ ਅਗਰ ਇੱਕ ਔਰ ਦੀ ਕਲਾਸ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਪੇ ਕਰੇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਔਰ ਵਿੱਚ ਜੋ 4 ਘੰਟੇ ਦੀ ਕਲਾਸ ਉਹਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ 1 ਘੰਟੇ ਦੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੀ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਕੇ 50% ਤੋਂ 25% ਕਰ ਦੇਗੀ। ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਡਿਸੀਜਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜੋ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੇਰਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਇੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਛੋਟੀ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕਿਨਲੀ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰਨ। ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹਤੀ ਹੂੰ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ, ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਆਪਕੋ ਪਤਾ ਹੈ ਮੋਦੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਮਨਾਤੇ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੋਦੀ ਲਗਾਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਆਨ ਆਫ ਸਡਨ ਉਹਨੂੰ ਸਟੋਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਸ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਤੇ ਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਰਿਸਾਈਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਐਂਟਰਟੇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਪਲੇਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਤੇ ਪਲੇਨ ਪੇਪਰ ਹੈ, ਮਾਸੂਮ ਹੈ ਬੱਚਾ, ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਿਓਗੇ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਖੁਦ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗਸ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਟੀਚਰਸ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਇੱਕ ਮੈਨੂਪੁਲੇਟਿਡ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ, ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਕੇ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਇਰਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੇ ਆਨ ਆਫ ਸਡਨ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਲਰੇਡੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਜੋ ਸਤਰ ਹੈ, ਜੋ ਲੈਵਲ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਉਹ ਗਿਰ, ਉਸਨੂੰ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਗਿਰਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਈ ਥਿੰਕ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਜੋ ਬੱਚੇ ਹਨ ਜੋ 10th 12th ਜਾਂ ਛੋਟੀ ਕਲਾਸਿਸ ਹੈ, ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਲੈਵਲ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਸ ਹੀ ਖੇਲਣੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬੈਟਰ ਹੈ ਕਿ ਟੀਚਰਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਉਹ ਕੁਛ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖ ਲੈਣ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ। ਤੇ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਿਓਰਟੀ ਚ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਤੇ ਐਲਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਅਨਇੰਪਲੋਇਡ ਯੂਥ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਦੇਣ, ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਿਕਿਓਰ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੀ ਕਲਾਸ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਲਓ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਸਿਸ ਦਾ ਸੋਚ ਕੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਤੇ ਡਿਸੀਜਨ ਜਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਾ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਇਹੀ ਇੱਕ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬੱਚੇ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਦਰ ਇੰਨੀਆਂ ਵਰਿਡ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇੰਨੀ ਫਿਕਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੀ ਇੰਪੈਕਟ ਪਏਗਾ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ
पॉजिटिवली नहीं हो रहा, क्योंकि एक घंटे दे विच छोटा बच्चा ते एक घंटे दे विच ते पहली गल ते उदा यही हुंदा छोटा कि तुसी चलो छोटा बच्चा फिर भी अगर कर लेगा, लेकिन 10th 12th 8th जिन्ना दा सिलेबस इन्ना ज्यादा वह बच्चे एक घंटे दे विच किदा कवर करनगे, और एक छोटा बच्चा किदा डिसाइड कर सकता है उसनू की जो सॉरी सॉरी मैं तुम्हें इंटरप्ट करांगी क्योंकि फिर बाद जनरली लोग कमेंट कर देते हैं, जो हायर क्लासेस हैं उन्होंने सिर्फ 3 घंटे में, तो जो छोटी क्लासेस हैं उन्होंने 1 घंटा दिता है, लेकिन 3 घंटे विच भी असी सारे सब्जेक्ट्स नू कवर नहीं कर सकते ते ना ही बच्चों का सिलेबस कवर कर सकते। बिल्कुल ठीक है जी, जिदा उन्होंने 3 घंटे दिते ने हायर क्लासेस दे लई 10th 12th दे लई, लेकिन फिर भी इत्थे ते ए गल भी आउंदी है ना कि जेड़ा प्राइवेट सैक्टर दे विच कोई भी काम कर रहा वो प्राइवेट सैक्टर दे विच अपने काम दे उत्ते ध्यान दे, या उसनु ए लगे पता नहीं केड़ी पॉलिसी कदों चेंज हो जानी जिदा असर मेरे काम दे उत्ते पै जाना, मतलब प्राइवेट सैक्टर दे विच तां हमेशा इंसान नु डर बनया रहिंदा ना, आई दिन इंसान सोचदा गवर्नमेंट जॉब गवर्नमेंट जॉब गवर्नमेंट जॉब, क्योंकि प्राइवेट सैक्टर दे विच असीं सिक्योर नहीं आ, प्राइवेट बिल्कुल सैक्टर सिक्योर नहीं है, ना कोई नहीं है पॉलिसी है, ना कोई सानू फंड्स मिल रहे ने, ना ही साड़ी कोई हेल्पिंग हेल्प वास्ते कोई अग्गे आ रहा है, ते ओ टीचर अगर तुसी सोचो कि एक स्कूल विच अगर 20 भी टीचर कंसीडर करके चलो ते उनकी फैमिलीज एसोसिएटेड होंदियां ने, उनके अगे बच्चे एसोसिएटेड, सारा पूरा एक सोसाइटी बन के आ जाती है, तो वो किस तरह अपना सरवाइव करेंगे, ये सब तो बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है जो इस वक्त सोचना है। कोविड के टाइम पे ऑलरेडी लोग अनएम्प्लॉयड हो चुके हैं, तो उस तो ऊपर ऐसे डिसीजन दे के मासिस नो अनएम्प्लॉयड करना तो उनका सरवाइवल उन्हें तो छीन लेना, आई थिंक ये बहुत कोई वेलकम वाला स्टेप नहीं सी, मैनू नहीं लगता कि ये कोई अच्छा डिसीजन सी। बिल्कुल, क्योंकि देखो मैम ये गल तो बिल्कुल मननी पएगी, गवर्नमेंट सैक्टर दे नालों प्राइवेट सैक्टर च बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं टीचर्स, खास करके टीचर्स, क्योंकि आप हम देख रहे हैं ना बच्चे थ्रू ए ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, तो जेड़ा टीचर है ना पूरा दिन 24/7 वो पूरा दिन उन्हें एक्टिव रहना, स्कूल दे विच तो 6 घंटे काम करके अपना घर आ गया, कोई वो नहीं उन्हें अपने 1 घंटा रखा हुंदा सी कि मैनू पेरेंट्स 6 to 7 बजे दे विचकार ही गल कर सकते हैं, लेकिन अज असी पेरेंट्स जदों दिल करदा उन्हां नू फोन करदे हैं, जदों दिल करदा उन्हां नू अपनी कोई सानू कोई प्रॉब्लम आ रही है असी उन्हां नू पुछदे, टीचर तो 24 घंटे काम कर रहा है लेकिन फिर भी टीचर सिक्योर नहीं है, फिर भी प्राइवेट सैक्टर हले भी वो सिक्योर फील नहीं कर रहा इन्नी मेहनत करने के बावजूद भी, तो फिर इदां की लगता कि मेहनत करन वाले दे लई पॉलिसीज होनी चाहिए या जिन्ना दे विच मेहनत है ही नहीं है पॉलिसीज उन्हां दे लई बनाईआं गईआं ने। एक्चुअली तो होना यह चाहिए कि दोनों सैक्टर्स को सिक्योर जोन से रखा जाए, क्योंकि गवर्नमेंट सैक्टर भी नो डाउट कि अगर 50% काम चोर हैं तो 50% काम भी हो रहा है। हाँ पर लेकिन प्राइवेट सैक्टर दे विच ते है ना कि काम चोरी की सोच भी नहीं सकती ना, सोच भी नहीं हर एक बंदा काम कर रहा है 24/7 वो एक उदे ट्रॉमा च एक फियर फैक्टरी च रहिंदे ने कि किसी भी टाइम उन्हां नूं नौकरी तो कढ़िया जा सकता है या किसी भी टाइम कोई भी चीज इंप्लीमेंट हो सकती है, ऊपर एक फैमिली का प्रेशर, दूसरा जॉब का प्रेशर, तीसरा इस वक्त कोविड का प्रेशर, तो इंसान तुसीं खुद सोच सकते हो इन्ना प्रेशर अगर एक इंसान दे उत्ते आएगा तो किस तरह सर्वाइव करेगा, हर चीज का प्रेशर, कोविड का डर, जॉब तो जान का डर, उसके बाद फैमिलीज की रिस्पॉन्सिबिलिटीज का डर, इन्ना प्रेशर के बावजूद तुसीं फिर एक होर नवी चीज एक लैके उनके सामने आते हो वो तो टोटली डिस्टर्ब हो जाएगा, तो इो चीज है इो रीजन है कि मेंटली डिस्टर्बेंस के केसिस अगर सर्वे किया जाए तो इस ड्यूरेशन के दौरान बहुत ज्यादा हुए ने, बहुत ज्यादा। डॉक्टर अभिषेक चौहान नाल एक इंटरव्यू च उन्होंने दसिया सी कि इस मेंटली डिस्टर्बेंस दे केस इस कोविड दे टाइम ते 50% ज्यादा उन्होंने मतलब कि इजाफा होया, 50% ज्यादा वधे ने वो केस, सिर्फ इसलिए क्योंकि प्रेशर बहुत ज्यादा है, माइंडसेट तो इको ही है ना, उही साडा दिमाग है, उही असी उसे विच असी सारी चीजा करते जा रहे हैं, सोचते जा रहे हैं सोचते जा रहे हैं, तो आउटपुट की है, या तो बंदा अटेंशन नाल कुछ उदे हेल्थ इश्यूज हो जाएंगे या कोई और प्रॉब्लम उनु फेस करनी पड़ेगी, तो लास्ट ऑप्शन है कि सुसाइड कर लेगा, इस तो इलावा तो और कोई ऑप्शन नहीं है, तो आई थिंक कि गवर्नमेंट को इस बारे भी सोचना चाहिए कि उन्होंने मासिस का असं की करिए जो प्राइवेट सैक्टर नाल एसोसिएटिड हैं।
ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਮ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕੀ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਅੱਗੇ ਰਹੇਗਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਫਿਊਚਰ, ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਸਾਰੇ ਚੇਂਜਿਸ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? देखो मैम, लास्ट ईयर अगर बच्चे नो प्रमोट किया गया, ठीक है, अगले क्लासेस ते लगा, मतलब कि सारे नो 100% रिजल्ट उसी को के अगर का देता गया, ते वो बच्चे की नॉलेज लैके किस तरह जानगे, ये तुसी खुद सोच सकते हो, जिन्हां दा नॉलेज, जिन्हां दा बेस जो है बिल्कुल जीरो है। क्योंकि अगर रिजल्ट है, अगर पेपर देता है, एटलीस्ट बच्चा कुछ लर्न करता है। मैं बिल्कुल ते एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट नहीं देना चाहूंगी, बट अगर इलेक्शंस हो सकती हैं ने, अगर ये वाइन शॉप्स खुल सकती हैं ने, इस बेटर के अगर स्कूल नो भी तुसी कोई ऐसा अल्टरनेट डेज या कुछ। हाँ, लोगों का जरूर मैसेज है कि भाई असी अपनी यंग जनरेशन नो खतरे विच नहीं पाएंगे। अरे तुसी यंग जनरेशन नो खतरे विच नहीं पाओगे, कल तुसी अगर वाइन शॉप खुलिया ने जम्मू परसों, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਅੱਜ ਵੀ ਖੁੱਲਿਆ ਨੇ, ਉਹ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਜੋ ਨੇ, ਯੰਗਸਟਰਸ ਜੋ ਨੇ, ਉਹ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਫਿਊਚਰ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬੱਚੇ ਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੰਸਿਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਮੋੜਿਆ ਜਾਏ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਤੋਂ ਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਿ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਐਸੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, एजुकेशन बिल्कुल ना जुड़ेगा, अच्छी चीजें सीखेगा, नशे तो दूर रहेगा, कोई मतलब कि क्रिएटिव चीजें वो करेगा। जब बच्चा किसी ना लिंक ही नहीं है, ना टीचर ने सुनेगा, ना कार कोई एजुकेशन लेगा, ना ही कोई प्रोजेक्ट करेगा, सारा दिन आइडल माइंड ना लो की करेगा, कहने ना खाली दिमाग शैतान का घर, तो बिल्कुल वो पूरा दिन खाली रहने तो बाद वो की कर सकते हैं, तुसी उधर कितना प्रोडक्टिव रिजल्ट आएगा तुसी खुद सोच सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। देखो मैम, अगर गल की जाए ना, इतने कई थावां दे उपर ये भी गल सुनने नूं मिली है कि 12th दे एग्जाम है जिहड़े, ओह क्या कि नहीं ले जाणगे, हुण 12वीं दियां प्रीख्यावां नहीं होणगियां। ते फिर इतने की कह सकदा कि जिहड़े बच्चे ने 12वीं दी प्रीख्या देनी सी, जिहड़े बच्चे ने 12वीं तों बाद अपने फ्यूचर दा इक स्टैप उहने सोचना सी कि अग्गे मैं की करना, फिर ओह ते हुण एजुकेशन सिस्टम पता ही नहीं चल रिहा, एजुकेशन पॉलिसी बननी की पता ही नहीं, मतलब बच्चे नूं बिठा दित्ता गया कि हुण 12th का जिहड़ा बच्चा वो बैठ जाए, वो सिर्फ वेट करे कदों मैं अगे पढ़ांगा, की है मेरा, बिल्कुल किन्नी देर का फुल स्टॉप उन्हों ला देता गया है। बिल्कुल देखो बिल्कुल, मतलब कि कोई भी उन्हें नॉलेज नहीं है, उन्हें बेसिक नॉलेज नहीं होएगी, वो कॉलेज भी जाएगा कि कोर्स उन्हें ऑप्ट करना है, बिल्कुल ब्लैंक है, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस नहीं आने, ऑनलाइन टेस्ट होते रहने, तो साढ़े बच्चे अगर बोले तो पेरेंट्स खुद इन्वॉल्व होके, मैं 100% नहीं कहती लेकिन मैक्सिमम पेरेंट्स खुद नाल होके बच्चे नु चीटिंग भी करवा देने करवा देने, अगर खुद ते दिल ते हाथ रख के देखो कि मैक्सिमम, अगर एक बार असि बच्चे नु देखते अपना बच्चा कंफ्यूज है, असि फटाफट उदे हेल्प करने वास्ते जाते हैं, अगर हेल्प कर दी बच्चा लर्न नहीं करेगा, बच्चा दिमाग ते कोई चीज रिटेन नहीं करेगा, तो तुसी की एक्सपेक्ट कर दियो कि अगे जाके अगर किसी किसी अच्छी पोजीशन पे जाना है जिन्हों बेसिक नॉलेज ही नहीं है, वो की अगे देश के लिए, वेलफेयर लिए या स्टेट की वेलफेयर लिए की काम करेगा। आई थिंक कि एजुकेशनल का स्टैंडर्ड जो है साडा बिल्कुल डाउन हो चुका है। मैनू नहीं लगता है कि एजुकेशन अगे फ्यूचर आने वाले टाइम पे, एक तो एजुकेशन पॉलिसी इन्होंने चेंज की है हालांकि इंप्लीमेंट नहीं हुई है, उधर सानू कंफ्यूजन है कि उधर विच की चीजें ने, उस तो उपरंत क्लासेस आदि रिड्यूस कर दी गई ने, वो भी इंक्लूड कर लो, तो बच्चा तो फ्यूचर तो बिल्कुल ब्लैंक है, जीरो है ऑलरेडी। जो पिछले साल ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜੋ ਜੋ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋਬ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋਬਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਜੋ ਲੇਟੈਸਟ ਜੋ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਅੱਛਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਰਹੇਗੀ। 100% ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਜ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਿਸਟ ਮੈਂ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ ਕਿ अगर 99% बच्चे ऐसे ने जो नॉटी हैं, जा जो पढ़ नहीं रहे, तो 1% बच्चा ऐसा भी है जो शरारती है, बिल्कुल क्योंकि वो बिल्कुल लेवल जो है उदी ग्रोथ नहीं होएगी कि वो अपना अच्छा बुरा समझ सके। तो याद रखियो मैम, एक चीज में एज एजुकेशनिस्ट फिर रिपीट करेंगी कि बच्चा जो है नेगेटिव कंसेप्ट जो होते हैं उदे वाल जल्दी अट्रैक्ट हो जाता है, जल्दी जो कि जल्दी पॉजिटिव उदे विच टाइम लगता है,
ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮੈਟਿਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਲਮੋਸਟ ਖਤਮ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੋਲੈਪਸ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਗਰ ਇੱਕ ਸੈਕਟਰ ਹੈ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਨੇ 101% ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਵਿਡ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲੀ ਸਾਨੂੰ ਪੂਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਜਿਸ ਚਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਜਿਸ ਚਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਡਿਸੀਜਨਸ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਕਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਟਰੈਕ ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਹਲੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਲ ਰਾਊਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਬੱਚੇ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਰਫ ਸਟੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਹ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਸਮਝ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਾਈ ਰੱਟਾ ਕਰੈਮ ਕਰਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਫੋਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੀਮ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਹਰ ਇੱਕ ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਸਕਿੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਭਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀਏ। ਪਰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਕੁਛ ਅੱਛੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਕੁਛ ਬੱਚੇ ਵੀ ਗੋਡ ਗਿਫਟਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ, ਦੂਸਰਾ ਟੀਵੀ, ਇੱਕ ਰੂਮ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਰੂਮ ਤੱਕ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਦੋਂ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲਣਗੇ, ਕਦੋਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਸਾਰਾ ਟਰੈਕ ਤੇ ਆਏਗਾ, ਬਸ ਅਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਅਗਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਟਰੈਕ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਟਰੈਕ ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟ ਵਿਲ ਟੇਕ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਟਾਈਮ ਟੂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੈਕ ਆ ਜਾਈਏ ਉਸ ਟਰੈਕ ਤੇ। ਬਹੁਤ ਡਿਫੀਕਲਟ ਰਹੇਗਾ ਟੀਚਰਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਤੇ ਔਰ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਓਬਵੀਅਸ ਹੈ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਹੋਰ ਡਿਫੀਕਲਟ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ ਤੋਂ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲਸ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਮੈਮ ਮੈਂ ਕਵਾਂਗੀ ਕਿ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਾਰੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਥਰੂ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਪਲੀਜ਼, ਅਗਰ ਕੋਵਿਡ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਘਰ ਰਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੇਫ ਰਹੋ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੇਫ ਰੱਖੋ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਕਿ ਐਜ਼ ਅ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਿਸਟ ਮੇਰਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਓ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਕੰਮ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਿਸਾਈਡ ਕਰਵਾਓ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਹੈਲਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਰਲੀ ਬੱਚਾ ਟੀਵੀ ਜਾਂ ਲੈਪਟਾਪ ਤੇ ਜਾਂ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਉਹ 100% ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਾਸਿਸ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਟੀਚਰਸ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ, ਤੂੰ ਕੁਛ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਸਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟਰਟੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂਟਲ ਜੋ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਕਰ ਰਹੋ, ਸੇਫ ਰਹੋ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਰਹੋ, ਅੱਛੇ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕਸ ਕਰਾਂਗੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਾਨਣਾ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ ਜਾਨਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਇਸ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ, ਹਨਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਪਾਵਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜਲਦੀ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ। ਇਕਬਾਨੀ ਚੈਨਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ।